हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल इंटीरियर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको साइड टेबल का जो सेट लॉक होता है उसका बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, यानी कि मार्केट में कौन कौन सा साइज़ में ये लॉक मिलता है, ये लॉक को किस तरह से फिटिंग किया जाता है एंड ये लॉक को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो का हर एक सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट फिटिंग्स वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये एबको कंपनी का 3 डोर सेट लॉक है। इसके द्वारा आप 3 डोर को एक साथ में लॉक कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपको 2 डोर का भी लॉक मार्केट में मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको दुकानदार को बोलना पड़ेगा। देखिए, अंदर में इस तरह से कुछ फिटिंग्स रहता है। ये है लंबा वाला जो मेन पोर्शन है, ये ऊपर वाला है लीवर, एंड ये है लॉक का मेन पोर्शन, एंड इसका जो है कीज रहता है, बस यही पार्ट्स है। एंड ये जो 3-4 तो आपको फिटिंग्स दिख रहा है, ये सब एडजस्टेबल है, उसको लॉकिंग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और किस हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ता है मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। बहुत ही आसान है ये सेट लॉक को फिटिंग्स करना, बस आप एक बार ध्यान से ये सेट लॉक को फिटिंग्स किस तरह से किया जाता है एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये फिटिंग्स करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है ये देखिए, यहाँ पर 12 mm का क्लियरेंस रहना चाहिए, ताकि ये लॉकिंग वाला जो पार्ट्स है ये सही से काम करें। अब टेलीस्कोपिक चैनल में वैसे भी 12 mm का क्लियर रहता है, तो ये क्लियर देना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ इसको किस तरह से फिटिंग्स किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो यूनिट है इसका लेफ्ट साइड में कुछ फिटिंग्स नहीं होता, जो भी होता है ये राइट साइड में। देखिए, यहाँ पर जो है इसको बैठाने के लिए यहाँ पर 1 इंच छोड़ के ये जो लॉकिंग का पोर्शन है इसको ग्रूविंग करके बैठाना पड़ता है। तो ये ग्रूविंग जो है कैबिनेट को रेडी करने से पहले ग्रूविंग करने से ये फिनिशिंग बेटर आता है और जल्दी भी हो जाता है। तो ये आप लोग हमेशा कोशिश कीजिएगा, ये कैबिनेट को ठोकने से पहले इसको इसका ग्रूविंग कर ले कम से कम। तो ग्रूविंग करके ये चैनल को फिट करने से पहले इसको फिटिंग करना पड़ता है। देखिए, ये 3 डोर का सेट लॉक है, तो इसका हाइट जो है ये टोटल 18 इंच का है ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पर एक स्टॉपर दिया गया है, इसको ये सामने ना आए। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये 1, 2, 3 यही मेन लॉकिंग का काम करता है। ये मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के, वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखते रहिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। एंड ये जो पोर्शन है देखिए, ऊपर से इसको कम से कम 19 mm का गैप छोड़ना पड़ता है, छोड़ के इसको टाइट करना पड़ता है। अब देखिए, ये ऊपर में जस्ट ऐसे ही रहता है। अब मैं आपको ड्रॉर लगा के दिखाता हूँ इसको किस तरह से लॉक किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये लॉक कैसे काम करता है मैं आपको दिखाया। तो देखिए, 2 ड्रॉर हम लगा दिए, ऊपर और ड्रॉर को हम नीचे रखा है, ताकि आप लोग हम क्लियरली समझा सके। देखिए, ये जो है ये लॉक यहाँ पर लग जाता है, एंड यहाँ पर जो है देखिए, ऊपर से इसको 2 स्क्रू के द्वारा इसको फिटिंग करना पड़ता है। एंड ये चाबी घुमाने से देखिए, ये जो लीवर है मेन लीवर, ये जस्ट अप एंड डाउन होता है। अब देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉक एक्चुअली होता कैसे। देखिए, वो जो ये जो लीवर है, हम ड्रॉर को जब यहाँ पर घुसा देंगे तो ये यहाँ पर घुस जाएगा। अब चाबी जब हम घुमाएंगे तब ये वाला जो चीज़ है ये ऊपर चल जाएगा। ये जो है दोस्तों, देखिए ये ऊपर चल जाएगा। अब ऊपर जाने से जो है दोस्तों, ये लॉक हो जाता है। देखिए, ड्रॉर जो है नहीं आ रहा। अब लॉक कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए ये बहुत सिंपल है। देखिए, इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है एक तो छोटा सा प्लाई का टुकड़ा यहाँ पर ऐड किया गया है। एंड ये जो अंदर में जो देखिए फिटिंग्स है, देखिए जो अप एंड डाउन होता है, देखिए ये जो अप एंड डाउन हो रहा है आपको दिख रहा है। अब यही चीज़ जो है ना, यहाँ पर आके अटक जाता है। देखिए, ये डाउन कर देंगे तो ये ड्रॉर पूरा चला गया। ओके, एंड दोस्तों इसको जब आप करेंगे, आप करने से देखिए ये जो चीज़ है ये ऊपर आ जा रहा है, तो ड्रॉर जो है ये सामने खींचने से ये नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको चाबी लगा के दिखा देता हूँ, ये चाबी के द्वारा ये किस तरह से लॉक होता है। ऊपर वाला ड्रॉर को देखिए यहाँ पर हम लगा दिया है, एंड इसका देखिए चाबी जस्ट ये घुमाने से वाला लीवर जो ऊपर हो जाता है, ऊपर होने से ये पूरा
देखिए ये जो है पूरा लॉक हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेट लॉक को किस तरह से फिटिंग्स किया जाता है। दोस्तों बहुत ही आसान है और मार्केट में एकदम रीजनेबल प्राइस में ये मिलता है। तो फ्रेंड्स ये लॉक को फिटिंग्स करने का टाइम एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखी गई, ये लॉक सिर्फ राइट साइड में लग सकता है, ना ही बीच में और ना ही लेफ्ट साइड में। हमेशा इसको आपको राइट साइड में लगाना, क्योंकि ये लॉक जो है उसी हिसाब से मैन्युफैक्चर किया गया है। ये चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रख के काम कीजिएगा। ये फिटिंग्स बेसिकली ऑफिस टेबल में ज़्यादातर लगता है, क्योंकि देखिए दोस्तों तीन ड्रॉर के लिए तीन लॉक एंड तीन चाबी को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए तीन ड्रॉर के लिए एक चाबी होगा तो उसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और वीडियो के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट फिटिंग्स वीडियो आपको हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।